सो फाइनली दोस्तों लगभग 2.5 महीने के बाद फाइनली कार में नंबर प्लेट लगने वाली है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कार में नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है, तो उसका रीजन था हमारा जो पुराना कार था ऑल्टो, उसको तो हमने सेकेंड हैंड बेच दिया है, कंपनी में एक्सचेंज कर लिया है, तो उसका जो NOC था वो आने में लेट हो रहा, तो इसीलिए इस कार में नंबर नहीं लगा था। लेकिन फाइनली NOC सर्टिफिकेट आ चुका है और वो हमने कंपनी में जमा भी कर दिया है और फाइनली हमारी कार की नंबर भी आ गई है। लेकिन मैं आप लोगों को फिलहाल बताऊंगा नहीं, वो अभी राज ही रहेगा। मैं आपको शोरूम में जाकर दिखाने वाला हूँ कौन सा नंबर प्लेट है, कैसी नंबर प्लेट है, वो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा ओनरशिप एक्सचेंज होगा और उसके लिए हमें आसनसोल कोर्ट जाना पड़ेगा, तो होपफुली वहाँ पर हमारी पुरानी कार भी हम लोगों को दिख जाएगी। तो वो कार भी अगर दिख जाए तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी दिखाऊंगा कैसी आप उसकी हालत है। इसके अलावा नंबर प्लेट का जो गार्ड है वो मैंने कंपनी से ही खरीद लिया था, एकदम ओरिजिनल है, आपको दिखाता हूँ। ये लो देखो आप लोग, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो 500 रुपये का ओरिजिनल पार्ट है, फ्रंट और बैक नंबर प्लेट गार्ड है, इसको लगाऊंगा और फाइनली नंबर प्लेट लग जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, आप लोग देखो। फाइनली दोस्तों हम लोग आसनसोल सिटी पहुंच गए हैं, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं, आप लोग देखो, दिखाइए वहां पर। दोस्तों वो देख सकते हो आसनसोल सिटी का बोर्ड, वेलकम टू आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। देखो हम लोग पहुंच चुके हैं, आप थोड़ी ही देर बाद हम लोग शोरूम भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या नंबर हमारी कार में लगने वाली है, ठीक है। तो इसी टाइम पर वीडियो को एंड करते हैं, आप लोगों से मिलता हूँ शोरूम जाकर, बाय बाय। प्लेट लग चुका है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगा। वीडियो मैं शोरूम पे शूट नहीं कर पाया और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पुरानी गाड़ी ऑल्टो का अगर हो सके तो वीडियो या फिर पिक्चर क्लिक करूंगा, लेकिन वो कस्टमर नहीं आया था, सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ ओनरशिप चेंज करी पर सिग्नेचर करके और वो लोग नहीं आया था, इसीलिए कार भी नहीं आया था, तो वो वीडियो फुटेज मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। और शोरूम में नंबर जब लगा रहा था तब हमें थोड़ा काम था, इसीलिए वो वीडियो रिकॉर्ड भी हम नहीं कर पाए, इसीलिए मैं आप लोगों को कार के अंदर ही दिखा देता हूँ, कार के अंदर ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, नंबर मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, मेरी कार की ये नंबर है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये नंबर, आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। पहले वाली जो नंबर थी वो थी WB 44A 0700 और ये जो नंबर है वो है WB 54AA 2335। तो कैसे लगे आपको ये नंबर, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जा सकते हो। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।